नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का ये कुकिंग ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी रेसिपीज़ जो कि आप कभी भी बना सकते हो, अगर आपको खुद को खाना है या आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं। और एक साइड जो है रेसिपी जो कि आप खाने के साथ जैसे खाते हो ना चटनी, उस तरह की। आपने मेरे लास्ट वाले कुकिंग ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया जब मेरी बेटी का बर्थडे था और मैंने आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर करी, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। तो चलिए आज बताती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ दम आलू, उसके अलावा बैंगन का भरता और छोले। एंड जो साइड डिश है ना वो बड़ी ही टेस्टी है, विच इज़ ठेचा। आप में से कई लोग जानते होंगे, महाराष्ट्रियन डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दम आलू के साथ। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल ले लिया है जैसा आपने देखा। अब मैं डाल रही हूँ हींग, हल्दी और लाल मिर्च। इसके बाद ना ये बॉइल्ड पोटैटोस, छोटे वाले पोटैटो अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर बड़े पोटैटो के भी आप 2 टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर छोटे होते हैं ना तो देखिए बहुत अच्छे दिखते हैं। इस तरीके से उसको हमें बॉईल कर लेना है, बहुत ज़्यादा मशी नहीं करना है बॉईल, थोड़ा सा इस तरीके से वो थोड़े से हार्ड रहें तो अच्छे लगेंगे और फूटेंगे भी नहीं। तो बस इसको ना एक तरीके से बहुत अच्छे से इसमें भून लीजिए और देखिए ऐसा कलर आना चाहिए, गोल्डनिश ब्राउन। इसकी कई तरह की ग्रेवी होती है दम आलू की। आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो कर्ड के साथ बनाऊंगी। तो बस इसको सबसे पहले देखिए अच्छे से आप चलाते रहिए और भून लीजिए। जब इसका परफेक्ट कलर आ जाए तो इसको आप प्लेट में निकाल लीजिए। और ना हम दूसरा पैन यूज़ नहीं करेंगे, इसी पैन में हम ग्रेवी कंटिन्यू करेंगे बनाना। तो बस इसमें मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया है दोबारा से, और अब इसमें मैं डालूंगी बाकी के मसाले। ये बहुत ही इजी रेसिपी है जो कभी भी आप बना सकते हो। देखिए मैंने अब डाल दिया यहाँ पे ज़ीरा और हींग। उसके बाद उसको अच्छे से पकाने के बाद मैं डालूंगी अनियन। आज कोई मेरी जो तीनों सब्जियाँ है ना उसके लिए मैंने पहले ही अनियन कट करके रख लिया था। मैंने आपको बताया था जब भी मैं बल्क में कुकिंग करती हूँ तो इस तरीके से पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ, अनियन काट लेती हूँ। और फिर जैसे आज मुझे जो टमाटर और काजू की ग्रेवी चाहिए थी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं इकट्ठे टमाटर और काजू की ग्रेवी रेडी कर लेती हूँ और अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ। और बीच बीच में ये बैंगन के भरते की तैयारी भी कर रही हूँ। बैंगन यहाँ पर मैंने धो लिए हैं अच्छे से, और देखिए आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से ना इसमें चीरा लगा के यानी कट लगा के इसमें एक लहसुन की कली अंदर डाल दूंगी। और बीच बीच में ये भी चेक कर रही हूँ कि मेरे जो अनियन हैं जो फ्राई हो रहे हैं वो जल ना जाएं। अब इसमें हम काजू और टमाटर वाली ग्रेवी डाल देंगे, जैसा मैंने आपको बताया पहले से रेडी कर लेती हूँ ये सारी चीज़ें। आप भी कर लीजिए, क्योंकि जब आपको बहुत सारी सब्जियाँ बनाना होती है ना तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, वरना थोड़े 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 टमाटर करोगे आप तो बहुत टाइम लगता है। और सभी में मुझे थोड़ी थोड़ी ये वाली ग्रेवी लगनी थी, तो जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ले लेती हूँ। और नमक ज़रूर डालिए हमेशा जब भी आप टमाटर या फिर टमाटर की ग्रेवी डालते हैं उसके ऊपर, और ढक के उसे पकने देंगे। मीनवाइल भरते की तैयारी कंटिन्यू करते हैं। तो इसी तरीके से सारे बैंगन में कट लगाकर उनके बीच में मैंने एक 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 लहसुन की कली डाल दी। और आप बताइएगा आप लोग कैसे करते हो, कैसे बनाते हो बैंगन का भरता। यहाँ हमारे पास गैस पे तो हम सेकते नहीं हैं, तो मैं ओवन में ना इन बैंगन को ग्रिल करूँगी। मैं हमेशा ग्रिल में रखती हूँ बड़ी, क्योंकि उसमें ना एक तो वो खुशबू भी अच्छे से आती है और बहुत अच्छे से पक जाता है। और देखिए यहाँ पर ग्रेवी जो है मेरी बहुत ही अच्छे से पक रही है अभी। अब मैं इसमें डालूंगी वही हमारे बेसिक मसाले, जैसे कि सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला। और मेरे पास ऐसा कुछ दम आलू मसाला ऐसा कुछ था नहीं इंडिया में, तो ये सब बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ के उससे भी बना सकते हो। और आई थिंक खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैंने हाँ यही बेसिक मसाले डाले हैं। इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और बस देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाला है क्योंकि बहुत ड्राई हो गया था और मेरी जो ग्रेवी है वो चिपकनी नहीं चाहिए और मसाले भी जलने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ना अब देखिए भरते में मैं डालूंगी स्प्रिंग अनियन। उसके लिए अच्छे से स्प्रिंग अनियन को धो लूंगी, उसको बारीक बारीक काट लूंगी,
और मीनवाइल अपनी ग्रेवी भी चेक करती जा रही हूँ। देखिए अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी छोड़ दिया है ग्रेवी ने। तो अब ना आज मैं इसमें कर्ड यूज़ करूँगी। आप चाहें तो क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा खट्टा टेस्ट चाहिए था इसलिए मैंने कर्ड यूज़ किया है। तो लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर कर्ड डाल दिया है। वैसे अगर आपको क्रीमी ग्रेवी बनाना है ना तो आप क्रीम यूज़ करिए। तो बस कर्ड डाल के अच्छे से, देखिए थोड़ा सा पानी और ऐड किया, यहाँ पे परफेक्ट मेरी ग्रेवी रेडी हो गई है, अच्छे से ऑयल भी छूट गया है। तो बस इस तरीके से इसको मैंने हिलाया और फिर इसमें थोड़ा और नमक ऐड किया। फिर मैंने डाल दिए अपने जो पोटैटोज़ मैंने फ्राई किए थे। मेरी जो ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई, इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना पड़ा मुझे क्योंकि छोटा पड़ रहा था वो बर्तन, और फिर जाएगी ये सर्विंग बाउल में। देखिए कितनी यमी दिख रही है ना। इसको आप हल्के से क्रीम और कोरिएंडर से गार्निश करिए, बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी डिश बनाना, विच इज़ छोले। तो तेल में ज़ीरा, हींग जो मैं हमेशा डालती हूँ, अनियन डाला, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़े ड्राई छोले दिखाए थे, मसाला छोले, आज मैं आपको जो है थोड़े तरी वाले छोले दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अनियन अच्छे से फ्राई हो जाए, देखिए उसमें थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाए, तब तक पकाइए। फिर डाल दीजिए टमाटर, और ये जो टमाटर है ये मैंने थोड़े अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लिया है। तो इसमें आज मैंने ग्राइंड किया हुआ प्योरी वाला टमाटर यूज़ किया है, उसमें वही अपने बेसिक मसाले। लेकिन हाँ, इसमें मैं चना मसाला हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है। तो सूखा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये डालने के बाद थोड़ा सा छोले मसाला डालिए और देखिए अच्छे से जब मसाले पक जाएं तब डाल दीजिए छोले। और ये बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं, देखिए कैसे पक गए बढ़िया से। इसको अच्छे से धनिया से गार्निश कर देंगे सर्व करते टाइम। यहाँ पर देखिए बैंगन जो है हमारे ग्रिल हो गए हैं इस तरीके से। ओवन में हम यहाँ पर बैंगन को ग्रिल करते हैं, और देखिए मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ता क्योंकि बहुत गर्म होते हैं। अगर आप बैंगन को गर्म गर्म ही इस तरीके से निकाल लेंगे ना, सारा उसका अंदर का जो गूदा है, तो वो बहुत ईजी रहता है और सारा कुछ निकल जाता है। ठंडा होने के बाद थोड़ी मुश्किल आती है। तो देखिए ये एक तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ दोनों हाथों में बटर नाइफ लेके, तो मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ता और गर्म गर्म जो है मैं सारा अंदर का जो गूदा है वो निकाल लेती हूँ बैंगन का। यहाँ के बैंगन इंडिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इंडिया में तो आप जैसे जो छिलका है उसको पील ऑफ करते हो ना, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हमें ऐसे बैंगन को ओपन करके और गूदा निकालना होता है। थोड़े डिफरेंट होते हैं यहाँ के बैंगन। चलिए अब शुरू करते हैं सब्ज़ी को बनाना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सरसों के तेल में बनाऊँ, बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वही ज़ीरा हींग सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद ना मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था तो देखिए उसके थोड़े से अनियन बचे हुए थे वो डाल दिए। उसके अलावा स्प्रिंग अनियन, आज की सब्ज़ी स्प्रिंग अनियन में बन रही है। मुझे ना कच्चा भरता या फिर चोखा जिसे कहते हैं बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी किसी दिन आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये जो हमारे स्प्रिंग अनियन है, जब तक अच्छे से ना पके तब तक आपको पकाना है मीडियम आंच में। और ये जो टमाटर की प्योरी है जो बची हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि आज हम प्योरी ही डालेंगे इसमें, टमाटर काट के नहीं डाल रहे हैं। बस नमक, हल्दी, मिर्ची और जो है सूखा धनिया, गरम मसाला, वही डाला हमने। उसके अलावा डालेंगे अमचूर थोड़ी सी खटाई के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे पास फ्रोज़न मटर है, इसको मैं अच्छे से धो के छान के वो भी डालूँगी। भरते में मटर बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश मटर हो तो क्या कहने, लेकिन चलिए फ्रोज़न से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मटर ऐड कर दी है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी जब तक थोड़ा ड्राई हो जाए जो टमाटर है वो भी पूरा सूख जाए, पानी निकल जाए उसका। बस फिर हम जो हमारा ये बैंगन था वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए बहुत जल्दी बन जाती है एक तो ये सब्ज़ी, और सभी को पसंद आती है, भरता तो सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये डिलीशियस सा भरता रेडी है, और बस इसको फिर हम जब सर्व करेंगे तो ग्रीन कोरिएंडर से अच्छे से गार्निश कर देंगे। एंड ये ना सच में सबको बहुत पसंद आई, आप भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। चलिए अब बनाते हैं हम हमारी ये टेस्टी सी साइड डिश, विच इज़
ठेचा। इसके लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, उसको अच्छे से धो लिया है और अब मैं उसके डंठल जो है वो हटा रही हूँ, यानी कि जो पीछे की जो डंडियाँ होती है ना वो हटा देनी है आपको। उसके बाद हम इसे बिना ऑयल के रोस्ट करेंगे। तो हरी मिर्च, उसमें जाएगा गार्लिक थोड़ा सा और पीनट्स, तो ये तीनों चीज़ें हम एक साथ रोस्ट करेंगे। वैसे तो वैरायटी ऑफ ठेचा रेसिपीज़ होती है, तो ये एक उसमें से है जो कि हम अक्सर बनाते हैं और हमारे यहाँ ना एवरीडे बेसिस पे ये चीज़ें बनती है, जिसमें कि सिर्फ हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा गार्लिक हम कूट लेते हैं नमक और ज़ीरे के साथ, फिर उसे एज अ चटनी या साइड डिश आप कह लें हम खाने के साथ में खाते हैं। कभी कभी होता है ना कि खाना खाने का मन नहीं है, तब आप इस जो है ठेचा रेसिपी को बनाइए और अपने खाने में ऐड करिए, देखिए खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो इसको देखिए अब अच्छे से यहाँ पे हमने भून लिया था और इसको ना ठंडा करने के बाद इसे वैसे जनरली कूटते हैं, मेरे पास कुछ कूटने के लिए नहीं था तो मैंने ये एक ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ जिसमें थोड़ा मोटा दरदरा ये ग्राइंड कर देगा। तो इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया भी, तो बस आप भी इसी तरीके से हरे धनिए को अच्छे से धो के चॉप कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। फिर हम डालेंगे ज़ीरा और नमक, बस इसमें और कुछ नहीं डालना है आपको। मैं आज बाकी खाने के साथ ना रायता बनाने वाली थी, सोचा था आपको रायते की रेसिपी दिखाऊंगी इंटरेस्टिंग सी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो महाराष्ट्र के हैं और उन्हें शायद ये ठेचा रेसिपी पसंद आएगी क्योंकि बहुत कॉमनली ये उनके घरों में बनती होगी आई एम श्योर। तो मैंने सोचा चलिए ये बनाते हैं एंड उन्हें बहुत पसंद आई, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है जिसमें आप इसे कूट सकते हैं तो इसे ग्राइंड करने की बजाय कूटिएगा, तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर इस ग्राइंडर में इसे थोड़ा मोटा दरदरा ग्राइंड कर लिया कुछ इस तरीके से। मेरे दोस्तों को आज का खाना बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया ये सारी कुकिंग करके। आशा करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक प्लीज़ देते जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस तरीके की रेसिपीज़ आप मुझसे देखना चाहते हो। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।